हाँ हेलो बच्चों, तो हमने लास्ट पार्ट में 4.1 14.1 एक्सरसाइज तक किया था। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे रोटेशनल सिमेट्री से। ओके, लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया सारी चीज़ें कि कैसे हम सिमेट्री लाइन बनाते हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं, रोटेशनल कैसे करते हैं, हॉरिजेंटल कैसे सिमेट्रिक करते हैं, वर्टिकल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई अच्छे से। तो आपने प्रैक्टिस की होगी सारी चीज़ें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल सिमेट्री। ओके, देखो कल तक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या था, कि मतलब अगर हम लाइन के इस साइड उसको डिवाइड करें तो बिल्कुल वो कैसा दिखेगा, ये हमको देखना था। आज हम रोटेशनल सिमेट्री पढ़ेंगे कि मतलब अगर हम चीज़ को रोटेट करते जाएं तो वो कैसी नज़र आएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं किसी चीज़ को रोटेट करती हूँ, पहले मेरी चीज़ ऐसी थी, उसको मैंने रोटेट किया, देन ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। मतलब अगर कोई चीज़ रोटेट होती है तो देन उसके बाद में उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वो किस टाइम आती है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल ओके सिमेट्री। तो जैसे आपने कभी घड़ी देखी, घड़ी में क्या होता है, ये देखिए, जैसे नॉर्मली आपने क्लॉक देखी होगी, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ 12, या 3, या 6 और या 9। ओके, तो ऐसे रोटेट होती है ये, अगर चलती है तो, अगर हम बोले तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो रही है। देन उसके बाद में यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो एंड यहाँ पे। तो जो उसका जो रोटेट होने की जो प्रोसेस है ना, उसको हम रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। ओके, देखिए, वेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट इट्स शेप एंड साइज डू नॉट चेंज। ओके, और द रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट द फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट्स ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन। मतलब रोटेशन जैसे जिस पॉइंट से रोटेट होता है उसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट है, इससे रोटेट हुआ, मतलब उसका सेंटर फिक्स हुआ और ये अब खुद रोटेट होता जा रहा है, तो उसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ओके, जैसे आपने वो पहले छोटे थे और हम वो एक वो देखा है, वो जैसे वो हवा में रखते हैं और वो गोल 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 घूमता रहता है ना, तो वो भी ऐसे उसका सेंटर तो सेम रहता है, बस वो उसकी पंखुड़ियाँ ही रोटेट करती है। ओके, तो वो भी एज ए एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसको विंड मिल बोलते हैं। और देखो इसमें विंड मिल विद अ रोटेशनल सिमेट्री, अब जैसे इसकी शेप मान लेते हैं हम ऐसी कुछ है, फिगर 14.12। ओके, तो इसकी फिगर कुछ है ऐसे और ऐसे। अब मैंने इसको रोटेट किया। ओके, देखो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें मैं रोटेट कर रही हूँ, लेकिन पता कैसे चलेगा, मैं एक पॉइंट पकड़ लेती हूँ कोई सा भी, जैसे मैंने ए को लिया। ओके, सेकंड वाले मैंने उसको 90 डिग्री रोटेट किया, तो ए मेरा यहाँ आ गया है ना। उसके बाद मैंने इसको और 90 डिग्री रोटेट किया, तो मेरा ए यहाँ आ गया, क्योंकि तभी, वरना तो आप बोलोगे चारों डायग्राम एक जैसे, क्योंकि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री में बार बार वही शेप रिपीट होती है, बस उसमें एंगल डिसाइड नहीं होता कि किस एंगल पे रिपीट होगी। ओके, तो देन उसके बाद में फिर ए मेरा यहाँ आ गया और फिर ए आ गया, तो इसमें 90 डिग्री की रोटेशनल है। ओके, 90 डिग्री पे ये रोटेट होता है, तो इसे हम रोटेशनल सिमेट्री बोलते हैं। अब जैसे ये डायग्राम देखिए एक बार, इसमें फोर पोजीशन है, इसमें 14.12, फोर पोजीशन बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ओके, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी है इसकी, फोर। अब देखो कोई एक स्क्वायर लेते हैं। ओके, देखो इसमें लिखा है दैट इज अ हियर रोटेशनल सिमेट्री इज ऑर्डर ऑफ फोर की है इसमें। अब ये मैंने कोई स्क्वायर लिया। ओके, अब मैंने इसको रोटेट किया, एक कोई पॉइंट ले लिया मैं पी फिक्स, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं किस एंगल से रोटेट कर रही हूँ। ओके, उसके बाद में ये यहाँ आ गया, तो पी यहाँ आ गया, रोटेट हुआ 90 डिग्री। उसके बाद में पी यहाँ आ गया, उसको स्क्वायर को मैं रोटेट करती जा रही हूँ। जैसे ये स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको एग्जैक्ट स्क्वायर मान लूँ ये, तो इसको मैंने रोटेट किया, ये पॉइंट मैं मान लेती हूँ। ओके, इसको रोटेट किया, अब ये यहाँ आ गया, अब ये पॉइंट यहाँ आ गया, अब इस पॉइंट को वापस रोटेट किया, ये यहाँ आ गया, देन इस पॉइंट को वापस रोटेट किया, यहाँ आ गया, तो इसका रोटेशन एंगल चेंज हो रहा है, और कितना हो रहा है, 90 90 90, रोटेशन चेंज होता जा रहा है। ओके, तो उसके बाद में पी पॉइंट यहाँ आ गया, देन उसके बाद में पी पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसका रोटेशन कितना है, हाँ, द इनिशियल पोजिशन और रोटेशन बाय 90 डिग्री अबाउट द सेंटर लीड्स 14.13। इसमें रोटेशन कितना हो रहा है, 90 डिग्री,
ओके, तो दस द स्क्वायर हैज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4. स्क्वायर में रोटेशनल सिमेट्री कितनी है? 4 की है. हाँ, और इसके केस क्या है? द सेंटर ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर. मतलब इसका सेंटर ऑफ द रोटेशन इज द सेंटर ऑफ, मतलब कौन से एंगल उस पर रोटेट होगा, मतलब उसको सेंटर फिक्स होगा. सेकंड, द एंगल ऑफ रोटेशन इज 90 डिग्री. कितने एंगल पर रोटेट हो रहा है? 90 डिग्री पर रोटेट हो रहा है. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने ऐसे रोटेट किया तो वो कौन सी? क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है, ठीक है? क्लॉक कैसे चलती है घर में? वैसे उसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज. और जैसे घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है. और द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 4. अब 4 इसलिए बोला क्योंकि वो कितनी बार में रोटेट हो रहा है, अब ओरिजिनल पोजिशन में आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको हम कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री. ओके, अब देखो कुछ डायग्राम देख लेते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये वाला. तो अब जैसे एक पॉइंट ले लिया मैंने आर फिक्स, इसलिए लिया ताकि मुझे पता चल जाए कि वो किस एंगल से रोटेट हो रहा है. अब एंगल ये था, यहाँ आ गया, रोटेट ट्राइंगल था रोटेट होके ऐसे, तो ए पॉइंट यहाँ आ गया. उसके बाद में एंगल यहाँ आ गया और उसके बाद में रोटेट होके यहाँ आ गया. तो कितनी बार रोटेट हुआ ये? एंगल ऑफ रोटेशन इसका कितना है? 3. सिमेट्री कितनी है रोटेशन की? 3. और कितने एंगल पर रोटेट हो रहा है? तो देखो पहले तो 90 90 90 पे हो रहा है, अब ये एंगल कितना है? 120 डिग्री. ट्राइंगल में 120 डिग्री पे ये रोटेट हो रहा है. ओके, और हाउ मेनी पोजीशन आर देयर एट विच द ट्राइंगल लुक एग्जैक्टली द सेम व्हेन रोटेट अबाउट इज द सेंटर इज 120. मतलब एग्जैक्ट सेम कब आएगा, कितनी पोजीशन बाद आएगा? तो कितनी पोजीशन? 1 2 और 3 पोजीशन बाद वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाएगा. समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव द रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क्ड पॉइंट. मतलब किसकी रोटेशनल सिमेट्री है मार्क पॉइंट पे. अब देखो आप ये वाली शेप है, हमको इसको रोटेट करना है, तो अगर इसको मैंने रोटेट किया तो ये वापस यहाँ आ जाएगी 180 डिग्री पे, और वापस उसको रोटेट करूँगी तो देन उसके वापस ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगी. तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है फर्स्ट वाले में, तो देखो फर्स्ट यहाँ से रोटेट होके यहाँ आ गई, सेकंड में वापस रोटेट होके यहाँ आ गई, तो क्या बोलते हैं ना इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 2 हो गई. अब ये वाला कोई एंगल है. ओके, अब इसको मैंने रोटेट किया, फर्स्ट ये रोटेट होके यहाँ आया क्योंकि ये क्रॉस है, तो इसको रोटेट भी करूँगी तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होता जाएगा. ओके, तो उसकी सिमेट्री भी चेंज होती जाएगी. तो इसके भी फर्स्ट एक बार यहाँ आ गया, जैसे कोई पी पॉइंट ले लेती हूँ मैं, एक बार मैंने पी को रोटेट किया तो पी यहाँ पे आएगा, देन उसके बाद में पी को रोटेट किया तो पी यहाँ आएगा, उसके बाद में मैंने पी को रोटेट किया तो पी यहाँ आएगा. ओके, अब देखिए थर्ड वाले की, ये इसको पी पॉइंट मान लेती हूँ, अब मैंने इसको रोटेट किया तो एक बार यहाँ आया, फिर मैंने इसको रोटेट किया तो कैसी शेप बनेगी मेरी? ऐसे, क्योंकि पी पॉइंट एक बार यहाँ था, फिर पी यहाँ आया और अब पी यहाँ आ गया, फिर पी यहाँ आएगा और पी यहाँ आएगा, लेकिन जो ओरिजिनल पोजीशन है वो किस में आएगी? वो वापस लास्ट वाली में ही आएगी, क्योंकि इसकी शेप ऐसी है कि ओरिजिनल पोजीशन लास्ट वाली में ही वापस आएगी, 4 पोजीशन बाद में इसको रोटेट करने के बाद में. ओके, तो इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, कम होगा. स्टार है, देखो स्टार में पहले मेरा पी यहाँ था, ओके, सेकंड पे यहाँ आया सेम सिमेट्री, फिर यहाँ पे आया सेम सिमेट्री, फिर यहाँ पे आया इसमें भी सेम सिमेट्री, और इसमें भी आया सेम सिमेट्री, यानी इस सब में इसकी शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि सेम शेप रहेगी. बोलिए स्टार को आप कैसे भी रोटेट कर लो, उसको सेम उसकी शेप सेम रहेगी इसकी. ओके, रोटेशनल सिमेट्री फोर्थ वाले में. देखो इसके कोई एग्जांपल, जैसे फ्रूट है कोई, जैसे आपको अभी नींबू है या ऑरेंज है कोई, जिसको आप सीधा काटते हो तो ऐसी कुछ शेप नज़र आती है ना. रोड साइन होते हैं जिसमें भी रोटेशनल, अगर देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट लेके चलूँ, इसको रोटेट करूँ पी यहाँ आ जाएगा, इसको रोटेट करो पी यहाँ आ जाएगा, इसको रोटेट करो तो पी यहाँ आ जाएगा, ऐसे रोटेट होता जाएगा. जैसे आपने व्हील भी देखा है तो उसमें भी रोटेशनल सिमेट्री होती है. अब देखो
थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल फॉर द रोटेशनल सिमेट्री एंड डिस्कस द ईच केस. देखो इसमें अपन को कुछ एग्जाम्पल आगे डिस्कस करेंगे हम, जिसमें क्या क्या मेन चीज़ें होती है. एक तो इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, मतलब वो किस एंगल पे रोटेट हो रही है. जैसे हर चीज़ का सेंटर ऑफ रोटेशन अलग होता है. जैसे स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे होगा, ये पेंसिल है तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन वहाँ पे होगा. जैसे अलग अलग चीज़ का सेंटर ऑफ रोटेशन अलग होता है. सेकंड द एंगल ऑफ रोटेशन, और किस एंगल पे रोटेट कर रही है. जैसे मेरा स्क्वायर था तो वो 90 डिग्री पे, हर 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा था. उसके बाद में डायरेक्शन एट विच द रोटेशनल इज अफेक्टेड, और कौन से डायरेक्शन में हो रही है, जैसे क्लॉकवाइज हो रही है क्या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है. और फोर्थ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर क्या है उसका, मतलब कितने ऑर्डर पे, जैसे 4 ऑर्डर बाद वो और इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, 4. ऐसे अलग अलग फिगर का अलग अलग होगा. ये हम आगे वाली एक्सरसाइज में करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब देखिए, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द फिगर 14.17 में. देखो अब इसमें हमको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमने किया यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया, पी यहाँ पे आया 90 डिग्री, फिर यहाँ पे आया, देन उसके बाद में 90 डिग्री, और फिर पी आया, फिर 90 डिग्री, और फिर इसकी ओरिजिनल. तो कितनी पोजीशन पर इसका ओरिजिनल पोजीशन आई है, 4. ओके तो 4, तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 4. देखो अब सेकंड डायग्राम में पी मैंने यहाँ ले लिया, फर्स्ट पोजीशन है ये. ओके सेकंड में इसको मैंने फिर से रोटेट किया, तो सेकंड पोजीशन में मेरा पी आ गया यहाँ पे, थर्ड पोजीशन मेरा पी यहाँ पे. ओके और फोर्थ पोजीशन में मेरा पी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितनी हो गई, सिमेट्री कितनी हो गई, रोटेशनल सिमेट्री 3. ये है मेरा रेक्टेंगल. ओके तो इसमें इसको मैंने रोटेट किया, एक कोई पॉइंट था पी, सेकंड वाले में मेरा रेक्टेंगल ऐसा हो गया, तो मेरा पी यहाँ आ गया. पर ये सिमेट्री है एग्जैक्ट, बिल्कुल नहीं. ये तो थी सेकंड को पोजीशन. अब थर्ड वाले में मेरा ऐसे हो गया फिर से, अब मेरा पी यहाँ पे आ गया, ये थोड़ा सिमेट्री लग रहा है ना. ओके फोर्थ वाले में फिर से ऐसे आएगा, तो सिमेट्रिक रोटेशनल सिमेट्री एग्जैक्ट नहीं होगी. और फिफ्थ वाली में फिर से ऐसे आ जाएगा, तो इसकी कितनी हो गई, रोटेशनल सिमेट्री 2. ओके अब देखो एक्सरसाइज 14.2 करते हैं, तो इससे आपके और भी क्लियर हो जाएगा. देखो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप जब एक्सरसाइज करेंगे ना और सारी चीज़ें एक एक सवाल देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा. क्योंकि देखने से इतना समझ में नहीं आता है जब तक आप खुद नहीं करेंगे इन क्वेश्चन को. ओके तो ये सारी एक्सरसाइज खुद से करिए, 14.2, 14.1, और खुद से डायग्राम बना बना के देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है. ओके और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है. देखो 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव द रोटेशनल सिमेट्री इन ऑर्डर मोर देन वन, मतलब मोर देन वन की किस में इसमें रोटेशनल सिमेट्री है. देखो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लो. जैसे सबसे पहले मैंने लिया सर्कल. ओके इस पे मैंने पॉइंट ले लिया पी. ओके ये तो मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी जो क्वेश्चन में दे रखी है. सेकंड पोजीशन, सेकंड पे मैं यहाँ आ गई. ओके यहाँ पे मेरा आ गया पी, क्योंकि मैंने एंगल को रोटेट किया ऐसे. रोटेशनली तो बात कर रहे हैं हम, रोटेशनल की, तो हमको रोटेट करना है उसको. तो मैंने 90 डिग्री से उसको रोटेट किया, क्योंकि 90 है ना, घड़ी आपने देखी होगी, 12 फिर 3 फिर 6 और फिर 9, कैसे. फिर थर्ड नंबर पे मेरी यहाँ पे आएगी, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आएगी, और फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे आएगी. तो इसकी अपन को ये बताना है कि सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बतानी है. तो इसकी वन हो गई सिमेट्री मोर देन वन, ऑब्वियसली 4 हो रही है इसकी, तो इसकी मोर देन वन है. यस ओके समझ में आया. ले आप सेकंड लेते हैं. फर्स्ट यहाँ आप एक पी पॉइंट मान लिया, एक कोई पॉइंट ले लिया, सेकंड नंबर पे पी यहाँ पे आएगा. ओके पी, थर्ड नंबर पे पी यहाँ पे आएगा, और फोर्थ नंबर पे वापस पी जहाँ था वहीं पे चला गया. ओके तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 3, ग्रेटर देन वन है ना, है फोर्थ वन. देखो अब देखिए इसकी शेप का बहुत फर्क पड़ता है. अब इसकी शेप देखिए ऐसे कुछ है. अब एक मैंने पॉइंट ले लिया पी. ओके अब जब सेकंड नंबर पे मैंने इसको रोटेट किया, जैसे ये पूरी स्क्वायर, इसको अगर 90 डिग्री पे रोटेट करती हूँ, ऐसे कर लिया बाई चांस. ओके तो ये कुछ ऐसे आ गई, तो मेरा पी पॉइंट कहाँ था, ये तो मेरा पी यहाँ आ गया. एक बार देखे तो थर्ड नंबर पे मेरा पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये थर्ड नंबर पे. ओके और फोर्थ नंबर पे मेरा पी पॉइंट
हाँ, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, फोर्थ नंबर पे। तो कि अगर फोर्थ नंबर पे भी मेरी इसकी साइड इस साइड होगी, ओके, तो यानी थर्ड नंबर पे भी इसकी रोटेशनल सिमेट्री इसकी सेम नहीं आ रही है, और फोर्थ पे वापस अपोजिट हो जाएगा। लेकिन इसकी सिमेट्री वापस जब अपोजिट खुद उसकी ओरिजिनल पोजिशन में आएगा ना, तभी उसकी सिमेट्री होगी। यानी इसकी सिमेट्री मोर देन वन नहीं होगी, सिर्फ ये वाला ही है जिसकी सिमेट्री मोर देन वन नहीं है, क्योंकि शेप का बहुत फर्क पड़ता है। आप रखते जाओ उस शेप को, देखो ऐसे कोई शेप है। अब ये पी कोई पॉइंट है, इसको आपने रोटेट किया ऐसे, ओके, ये सिमेट्री आ रहा है, नहीं, पी पॉइंट। अब थर्ड नंबर पे इसको वापस रोटेट किया मैंने ऐसे, ये पी आ गया मेरा, ये भी सिमेट्री लग रहा है, नहीं। फोर्थ पॉइंट पे चलती हूँ ऐसे, ओके, अब मेरा पी पॉइंट यहाँ आ गया, ये भी सिमेट्री लग रहा है, ये भी नहीं है। फिफ्थ पोजीशन, इसको मैंने फिर से रोटेट किया, ये आ रहा है ओरिजिनल पोजीशन, यानी वो इन तीनों में से एक भी बार सिमेट्री नहीं आया, ठीक है। तो इसकी सिमेट्री वन है, मतलब वो एक ही बार में राउंड काट के फिर आता है वो उसके ऐसे ओरिजिनल पोजीशन पे, ओके। अब ये है एच, अब देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेती हूँ, देखो इसमें सिमेट्री निकालने के लिए आप क्या डायग्राम बना लिया करो ऐसे, ओके। अब मैंने इसको रोटेट किया तो सेकंड पोजीशन में कैसे आ जाएगा ऐसे, देखो आप अगर कन्फ्यूजन हो तो आप एक कोई भी पी पॉइंट ले लो, तो पी पॉइंट यहाँ आ गया। थर्ड नंबर पे अब पी ऐसे हो जाएगा, अब पी मेरा कहाँ आ गया, यहाँ, ओके, आ गई सिमेट्री। और फिफ्थ नंबर पे वापस मेरा पी ऐसे हो जाएगा, पी मेरा कहाँ गया, यहाँ, ओके, तो इसकी ग्रेटर देन वन हो गई ना। फोर्थ, ये ट्रायंगल वाला ही है सेम, इसकी पी यहाँ पे देखो डायग्राम में ही देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया और स्टार्ट किया फर्स्ट, सेकंड पे यहाँ एग्जैक्ट सेम आ गई, थर्ड पे यहाँ, ओके, और फोर्थ पे वापस पी आ गया, तो इसकी ग्रेटर देन वन हो गई ना, हो गई। ये वाली पोजीशन लीजिए, देखो फर्स्ट पी पोजीशन यहाँ ली, यहाँ से यहाँ रोटेट हुई, पी यहाँ आ गया, देन इसके बाद में यहाँ रोटेट हुई, पी यहाँ आ गया, और उसके बाद में यहाँ रोटेट हुई और पी यहाँ आ गया। तो ऐसे करके इसकी सिमेट्री कितनी हो गई, फोर, ओके। तो सबकी सिमेट्री मोर देन वन है सिवाय सी इमेज के, ओके। अब इसमें गिव द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर, हमको इसका ऑर्डर बताना है कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितने कितनी है, ओके, इसका ऑर्डर बताना है। देखो ये वाली कोई फिगर है ऐसे, अब हमने इसको किया रोटेट, ओके, बाय चांस हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो वापस इसमें कितनी आ जाएगी सेम, इसको जैसे कोई चक्री है तो आप जैसे घुमाते हो उसको एग्जैक्ट, जैसे झूला है तो वो सेम उसी पोजीशन में वापस आ जाता है थोड़ी देर बाद, जब हम अपोजिट है तो एक जना इधर आया एक जना इधर आया तो चेंज हो गया, तो कितना, ये पी यहाँ था, जब पी यहाँ आएगा तो सेम हो जाएगा, सेकंड केस में वापस पी यहाँ आया और सेम हो जाएगा, तो इसका कितना है रोटेशनल सिमेट्री, टू। मतलब रोटेशनल सिमेट्री का मतलब एग्जैक्ट वही पोजीशन वापस कब आएगी उसका मतलब ही है, और आप किसी भी एंगल से रोटेट करो उसको, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इतने इतने एंगल पर रोटेट करने पर ही रोटेशनल सिमेट्री आ रही है। आपको, आप कोई भी चीज़ लेके देख सकते हो, किसी को भी रोटेट करो फिर वापस वो एग्जैक्ट वैसी की वैसी पोजीशन कब बनाती है, ये आपको देखना है। ये तो इसको मैंने रोटेट किया तो वो एग्जैक्ट वापस 180 पे वापस दूसरी पोजीशन बनाएगी, इसलिए इसकी टू हो गई। अब ये कोई मेरा एक ट्रायंगल है, मतलब दो लाइन क्रॉस कर लिए, अब ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये 80 है तो ये कितना होगा 100 डिग्री, ओके। अब ये कोई जैसे दो लाइनें आपस में क्रॉस करी है और मैं उन दोनों को रोटेट करती हूँ, तो मैंने ऐसे रोटेट किया फिर ऐसे रोटेट किया फिर ऐसे, तो देखो ये 80 है तो सेकंड पोजीशन में 80 कहाँ आ जाएगा, 80 यहाँ आ जाएगा, थर्ड पोजीशन में 80 यहाँ आ जाएगा, और फोर्थ में 80 यहाँ आ जाएगा। तो 80 80 कब सिमेट्री होगा, फर्स्ट पोजीशन में और थर्ड पोजीशन में, क्योंकि देखो 80 यहाँ है, सेकंड वाले केस में 80 यहाँ होगा, थर्ड वाले केस में 80, तो जब फर्स्ट और थर्ड कंडीशन आएगी तब दोनों आपस में सिमेट्री होंगे कि नहीं होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी इसमें भी 2 है। थर्ड वाला ये है ट्रायंगल, इसको अगर मैं ऐसे मान सकती हूँ तो पी पॉइंट को यहाँ है, पी यहाँ आ गया, देन उसके बाद में पी यहाँ आ गया, तो कितनी सिमेट्री हो गई, 3, क्योंकि फोर्थ में तो जाके वापस ओरिजिनल पोजीशन में हो जाता है, ओके। ये कोई नेक्स्ट पी पॉइंट, यहाँ पे पी नेक्स्ट पोजीशन में, थर्ड में पी यहाँ, फोर्थ में पी इज देयर, ओके, देन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4। फिफ्थ वन, ये कोई ऐसी शेप है, देखो
ये कोई ऐसी शेप है. ओके, फर्स्ट पी हियर, देन सेकंड पोजीशन पी इज हियर, देन थर्ड पोजीशन पी इज हियर, एंड फोर्थ पी, देन फिफ्थ इट्स केम टू ओरिजिनल पोजीशन. ओके, तो इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 4. ये है पेंटागॉन. ओके, देखो 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो करो. एक कोई पॉइंट मैंने ले लिया पी. पी मैं इसलिए लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो. आप उसी पॉइंट को पकड़ के चलो कि पहले कहाँ है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सिक्स्थ पोजीशन, ताकि आपके दिमाग में क्लियर रहे. एक मैंने पॉइंट ले लिया पी, फर्स्ट में पी जहाँ ओरिजिनल था वहाँ, सेकंड में पी, थर्ड में पी, फोर्थ में पी और फिफ्थ में पी और सिक्स्थ में इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. तो कितने हो गए रोटेशनल सिमेट्री नंबर, इसमें हो गए 5. 5 बार रोटेट होके वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. सिक्स्थ, देखिए अब इसमें डायग्राम यहाँ मैं पी ले लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ले लिया पी, स्टार्ट पी पी, फिर पी, फिर पी, फिर पी. कोई शेप में चेंज आ रहा है? बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार का स्टार ही रह रहा है, चाहे स्टार को मैं कैसे भी घुमा दूँ, है ना. तो स्टार सेम पोजीशन रह रही है. तो पी 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पोजीशन में जाके वो उसकी ओरिजिनल में आ जा रहा है. ओके, तो 6. अब ये कोई शेप है देखा जाए तो ऐसे ही है. फर्स्ट मेरा कोई पी पॉइंट था यहाँ. ओके, सेकंड वाली में आ गया देयर, थर्ड में दिस और फोर्थ में आके ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. ओके, तो कितनी हो गई, 3. समझ में आ गई रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? आइडिया हो गया थोड़ा बहुत, समझ में आया? अब आप खुद से सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको. ओके, मैंने क्या पढ़ाया, आगे करें स्टार्ट, चले आगे वाला टॉपिक और पढ़ते हैं. ओके, नया टॉपिक है लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री. अब देखो, पहले हमने लाइन सिमेट्री पढ़ा, उसके बाद में रोटेशनल सिमेट्री पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बोथ, दोनों लाइन भी और रोटेशनल भी. बहुत सारे डायग्राम ऐसे होते हैं जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है. उसको मतलब हम फोल्ड करें तो लाइन सिमेट्री भी शो करेगा और रोटेशनल यानी रोटेट भी होता जाएगा, इसका मतलब ये. ओके, देखो स्क्वायर की शेप देखी आपने ऐसे, तो इसको हाफ करूं या ऐसे कैसे भी करूं तो उसमें लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल, हर एंगल से उसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो रोटेशनल सिमेट्री भी शो करेगा ये वाली. ओके, जैसे बहुत सारी शेप है आप ये देख सकते हो, जेड एस एच ओ ई एन सी, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होगी, रोटेशनल सिमेट्री भी होगी और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी आप इसमें बता सकते हैं. ओके, करें एक्सरसाइज 14.3. देखो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू फिगर दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री. देखो ऐसे कोई से भी आप दो फिगर जो आपके दिमाग में आए वो आप बना सकते हो. जैसे मैंने जनरल बना लिया, एक तो स्क्वायर और एक सर्कल. ओके, अब देखो इसमें लाइन सिमेट्री, ये मैंने कोई भी बना ली लाइन सिमेट्री, तो इसमें इन्फिनिट हो सकती है. अब रोटेशनल सिमेट्री, इसको मैंने रोटेट किया, इसको मैंने रोटेट किया, इसको मैंने रोटेट किया, इसको मैंने, तो सर्कल में लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है. सेकंड एग्जांपल, ये है मेरा स्क्वायर, कितनी लाइन सिमेट्री तो बहुत सारी बन सकती है. ओके, 6. उसके बाद में रोटेशनल सिमेट्री, रोटेट किया, देन रोटेट, देन रोटेट और देन रोटेट. ओके, पी पॉइंट था मेरा यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया. ओके, तो रोटेशनल सिमेट्री भी हो गई इसमें. तो लाइन और रोटेशनल दोनों किसमें है, जैसे एग्जांपल आप बहुत सारे और आपके दिमाग में आए वो भी आप दे सकते हो, कोई सी भी शेप बना सकते हो आप. ओके, जो दोनों को शो करती है. सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ वेदर पॉसिबल ऑफ अ रफ स्केच अ ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन. हमको एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसमें रोटेशनल और लाइन सिमेट्री दोनों मोर देन वन हो. ओके, देखो सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, सबसे पहले मैं लाइन सिमेट्री की बात करूं, स्टार्ट करूं, ये लाइन सिमेट्री 1, 2 एंड 3. ओके, अब रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रही हूं, देखते जाओ
ये ऑर्डर वन मोर देन वन हो गया ना, थ्री ऑर्डर की लाइन सिमेट्री है इसमें. ओके अब रोटेशनल, यहाँ कोई पी पॉइंट लिया, देन पी यहाँ पे, देन पी यहाँ पे और देन पी यहाँ पे, हो गए. इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री भी हो गई ना थ्री. आए समझ में? नेक्स्ट, अ ट्राइंगल वाज ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री इन ऑर्डर मोर देन वन. ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें ओनली लाइन सिमेट्री और नो रोटेशनल सिमेट्री. देखो एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, आइसो स्केल ट्राइंगल. ओके अब इसमें अगर लाइन सिमेट्री की बात करती हूँ, ठीक है, लाइन सिमेट्री ऐसे एग्जैक्ट, सॉरी थोड़ा सा चेंज हो गया, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऊपर. ओके तो लाइन सिमेट्री तो हो गई, फर्स्ट पोर्शन सेकंड पोर्शन के एग्जम इक्वल है. अब रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं, करूँ रोटेट, ये कोई पी पॉइंट लिया, रोटेट किया इधर, आया सेम नहीं, क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ओके सॉरी आइसो स्केल ट्रायंगल है. ओके तो चेंज हुआ, तो उसमें दो, अब ये वाली शेप अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो भी सेम नहीं आया, अब ये वाली शेप यहाँ पे ले जाऊँ तो भी सेम नहीं, तो यानी इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटर विच विथ अ रोटेशनल सिमेट्री इन ऑर्डर मोर देन वन बट नो लाइन ऑफ सिमेट्री. इसमें रोटेशनल सिमेट्री तो मोर देन वन है और लाइन सिमेट्री नहीं है. ओके जैसे मैंने ये कोई ट्राइंगल बनाया, अब इसमें रोटेशनल सिमेट्री है कि नहीं है, एक कोई पॉइंट ले लो यहाँ, थर्ड पी, उसके बाद में पी यहाँ आ गया, ऐसे रोटेट होता गया ट्राइंगल. तो ये जैसे रोटेट हुआ तो ट्राइंगल कैसा हो गया मेरा, ऐसा कुछ पी, फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर ऐसा, उसके बाद में फिफ्थ नंबर जो ओरिजिनल था वो, तो यानी रोटेशनल सिमेट्री तो आ गई पर मोर देन बट. हाँ इसमें लाइन सिमेट्री देखनी है, लाइन सिमेट्री के लिए मैं एक लाइन खींच लेती हूँ, लाइन सिमेट्री है, एग्जैक्ट सेम दिख रहा है क्या उधर? नहीं, भले ऐसे कर लो तुम तो भी नहीं दिखेगा. तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री तो है लेकिन लाइन सिमेट्री नहीं है. ओके फोर्थ क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल लाइन विद अ लाइन सिमेट्री बट नो और रोटेशनल सिमेट्री इन ऑर्डर मोर देन वन. मतलब लाइन बट विथ लाइन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री तो है पर रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, मोर देन वन की रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. अब मैंने ये वाला ट्राइंगल बनाया, ओके ये कोई पॉइंट था पी, अब मैंने इसकी लाइन सिमेट्री बनाई, ये देखिए. ओके लाइन सिमेट्री तो बन गई इक्वल. ओके एग्जैक्ट इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, रोम्बस है लेकिन एग्जैक्ट इक्वल, इधर का पार्ट भी इक्वल और सेकंड पार्ट भी इक्वल. अब मैंने इसकी निकाली रोटेशनल सिमेट्री, अब देखो. ओके पी कोई पॉइंट था, ये कोई पॉइंट है पी, इसको मैंने रोटेट किया, ये बन गया पी, आ गया सेम नहीं, थोड़ी मतलब शेप चेंज है ना, तो थोड़े से इधर आया तो अब यहाँ पे आई, आ गया सेम, बिल्कुल सेम आया, वैसा का वैसा आया. थर्ड पोजीशन पे आ गया सेम नहीं, फोर्थ पोजीशन पे आया सेम. हाँ तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री वन ही हो गई है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फिगर हैज टू एंड मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर ऑफ मोर देन वन. इफ अ फिगर हैज टू एंड मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ मोर देन वन. मतलब जैसे एक कोई फिगर है जिसकी सिमेट्री है लाइन ऑफ सिमेट्री मोर देन वन है, तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी मोर देन वन होगी क्या, ये ऐसे पूछ रहा है. तो कोई सा भी आप रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी सिमेट्री हम देखें तो लाइन सिमेट्री इसकी ग्रेटर देन वन होगी और उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी ग्रेटर देन वन होगी, देख सकते हैं ना. जैसे कोई सा भी हमने रेक्टेंगल बना दिया ये, तो इसकी लाइन सिमेट्री ये हो गई टू और इसकी रोटेशनल सिमेट्री सेकंड पोजीशन में ऐसे आएगा और थर्ड पोजीशन में ऐसे आ गया. ओके फिर उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो इसकी हो गई ना लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों है ना. फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन करें, फिल इन द ब्लैंक्स. देखो ये वाले थोड़े समझने वाले क्वेश्चन है.
अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने, हमको शेप दे रखी है और उनके सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और उनके एंगल ऑफ रोटेशन बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम शेप लेते हैं स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर लिया, इसमें मुझे क्या क्या निकालना है, स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है और एंगल किस एंगल पर रोटेट हुए। ओके, तो सेंटर ऑफ रोटेशन देखो, जैसे अगर मैं इसको लाइन बनाऊं, लाइन ऑफ रोटेशन तो कुछ यहाँ पर होगी। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, जहाँ पे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे ये दोनों आपस में जहाँ पे क्रॉस होते हैं, तो वो हो गया मेरा सेंटर ऑफ रोटेशन। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रखा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, कितने ऑर्डर का रोटेशन है। तो जैसे पहले स्क्वायर का पॉइंट ये था, तो सेकंड में अगर मैं स्क्वायर देखूँ तो पी यहाँ पे जाएगा, थर्ड में पी यहाँ पे जाएगा और फोर्थ में पी यहाँ पे जाएगा, कितने एंगल पे रोटेट हो रहा है, फोर रोटेशन। और उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, 90 डिग्री है ना, क्योंकि देखो ना 90 पे तो रोटेट हो रहा है, 90 फिर 90 फिर 90 और फिर 90, तो इसका कितना रोटेशन हो गया, 90। सेकंड है रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल की केस, आप सबसे पहले डायग्राम बना लेना तो आपके कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये रेक्टेंगल बना लिया, ओके अब इसका यही सेम सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, जहाँ पे डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ये ऐसे क्रॉस में। ओके, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। उसके बाद में वापस ये पी पॉइंट, सेकंड पे स्क्वायर और फोर्थ पे फिर ऐसी पोजीशन आ गई। ओके, तो इसका कितना हो गया, इसके डायगोनल पे हो गए और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन टू ऑर्डर हो गए ना, 180 180 पे, तो टू हो गए और इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 180 डिग्री। रोम्बस, रोम्बस की देखो आप शेप पता होगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रोम्बस शेप कैसे होती है, ये देखो ऐसे कुछ। ओके, तो इसमें करते जाओ, ये डायगोनल जहाँ पे आपस में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसका एंगल ऑफ रोटेशन होगा और उसके बाद में ऑर्डर कितना होगा रोम्बस का, इसका भी टू ही होगा, क्योंकि देखो पी पॉइंट कोई भी है पी, तो ये वापस यहाँ आएगा और फिर वापस यहाँ आएगा, तब इसकी ओरिजिनल पोजीशन आएगी। और ये कितना एंगल हो गया इसका, इसके भी 180 180 हो गए ना, ये भी एज ए रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है। फोर्थ, इक्विलेटर ट्राइंगल, देखो इक्विलेटर पहले आपको ट्राइंगल सही, आप अगर इमेज सही बना दी तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। इक्विलेटर है फर्स्ट पी, यहाँ इसके कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये। ओके, तो हाँ इसका ये हो रहा है मीडियन पे, मतलब तीनों के जो अपन मीडियन करेंगे इक्वल में, तो जहाँ पे जो इंटरसेक्ट करिए वहाँ पे इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। ओके, मीडियन के बारे में आपने पढ़ा था ना, कि किसी एक एजेस से सामने वाली साइड पर उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसका और इसका एंगल ऑफ रोटेशन 120 120 120 पे कर रही थी और कितने हो गए इसके, थ्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, क्योंकि थ्री बार रोटेट करके ही फर्स्ट पोजीशन में पहुंच रही थी। रेगुलर हेक्सागोन, पहले तो अपने हमने हेक्सागोन बना दिया ऐसा कुछ। ओके, फिर कोई पॉइंट ले लिया मैंने पी, फिर मैं रोटेट करती गई पी 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 और पी, और ये इसमें आपस में कहाँ पे, ये देखिए हो गए ये सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेम इसमें भी डायगोनल पे ही होगा, कितने सिक्स रोटेशन होंगे और कितने एंगल होंगे, 60 60 60 के होंगे सारे एंगल रोटेशन, मतलब 60 डिग्री पे वो रोटेट होता जा रहा है 60 60। ओके, नेक्स्ट सर्कल, सर्कल के लिए देखो ये सर्कल है मेरा। ओके, अब इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा, सेंटर, ये जो डायमीटर का सेंटर होगा ना वहाँ पे। ओके, और उसके बाद में इसमें कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशन होंगे, इन्फाइनेट हो सकते हैं, कितने भी आप रोटेट कर सकते हो किसी भी एंगल पे, और इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन तो है इन्फाइनेट और एंगल ऑफ रोटेशन एनी एंगल किसी भी एंगल पे आप उसको 60 30 40 20 किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हो। अब है सेमी सर्कल, अब देखो सेमी सर्कल में क्या करना है, ऐसा कुछ सर्कल है। ओके, सेमी सर्कल, अब ये इसको एंगल ऑफ रोटेशन सेकंड एंगल पे ये ऐसे हो गया, थर्ड पे वापस ऐसे आ गया और फोर्थ वे थर्ड और उसके अंदर फोर्थ में फिर ऐसे और फिफ्थ वाली पोजीशन में फिर ऐसे पहुंच गया। तो इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन इसका सेंटर होगा डायमीटर का, रोटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन वन, क्योंकि वो इतने उसमें किसी में भी इसकी शेप सेम नहीं होती, वो लास्ट में ऑर्डर होके ही जाके ही उसकी साइज
शेप सेम होती है, और उसमें एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया उसका 360 डिग्री, मतलब जो वापस घूम के वो आएगा ना तभी वो उसका एग्जैक्ट सेम होगा। देखा ना हमने इसमें, देखो कितनी बार हमने घुमा दिया इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, और लास्ट में जो पोजीशन है उसमें लास्ट पोजीशन में जाके वो फिर उसी पोजीशन में आया। ओके, तो इसका रोटेशन कितना होगा 360 डिग्री पे जाके ही वो एग्जैक्ट सेम आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटर विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, मतलब ऐसी कौन सी शेप है जिसमें रोटेशनल और लाइन सिमेट्री दोनों होती है और मोर देन वन होती है। कोई सी भी शेप आप बना सकते हैं, जैसे मैंने स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस लिया, तो उसके आपकी सिमेट्री बना सकते हैं जिसमें लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। ओके, देखो स्क्वायर, सर्कल, रोम्बस, ओके, तीनों में लाइन सिमेट्री भी ओके और रोटेशनल सिमेट्री भी, रोटेट होता जाएगा। ओके, तो मोर देन वन है कि नहीं है, सर्कल, लाइन सिमेट्री भी, रोटेशनल सिमेट्री भी, ओके, रोम्बस, लाइन सिमेट्री भी और रोटेशनल सिमेट्री भी, 90 90 90 90। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर रोटेटिंग 60 अबाउट सेंटर अ फिगर लुक एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजिशन एज वॉट अदर एंगल विथ वॉट हैपन फॉर द फिगर, मतलब ऐसे बोल रहा है कि 60 डिग्री पे रोटेट करने पे वो अबव सेंटर से रोटेट करने पे वो एग्जैक्टली उसी पोजिशन में आ जाए तो आगे किसमें उसमें सेम हो जाए। देखो अब इसने एक एंगल तो बता दिया हमको 60 डिग्री, ओके, मतलब 60 डिग्री के एंगल पे हमको रोटेट करके वो एग्जैक्टली पोजिशन हो जाती है। तो देखिए 60 डिग्री हिंट दे रखा है, यानी 60 प्लस फिर 60 प्लस फिर 60 प्लस फिर 60 प्लस और फिर 60 प्लस, यानी 120, 180, 240, ओके, तो ऐसे करके वापस इसकी जो ओरिजिनल पोजिशन सारे एंगल सिक्स का टेबल बोल दो, 120, 180, 240, 300 और 60, ओके, नेक्स्ट, कैन वी हैव अ रोटेशनल सिमेट्री इन ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल इज रोटेशन इज 45 और 70। देखो एंगल ऑफ सिमेट्री होने के लिए वो जो एंगल दे रखा है वो 180 से डिवाइड होना चाहिए या 360 से डिवाइड होना चाहिए, जो भी, क्योंकि आप एंगल क्या किस एंगल पे बनाते हैं। तो देखो 45, 360 या 180 से डिवाइड किया मैंने 45 को, तो इसमें पूरा इसका डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है 45 का, है ना, जा रहा है, लेकिन 70 से 180 का दिया तो उसमें कुछ पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री जैसे हमने स्क्वायर के केस में पढ़ा था 90 जो 360 से पूरा डिवाइड होता था, 60 या फिर 120, ओके, तो 45 भी 180 या 360 से पूरा डिवाइड होता है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, और 17 के केस में देखे तो रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। ओके, ये हो गई 14.3। ओके, इस वाले चैप्टर में हमने क्या क्या देख लिया, लाइन सिमेट्री देखी, लाइन के एग्जैक्ट इक्वल, रोटेशनल सिमेट्री देख ली, ओके, और शेप्स के बारे में पढ़ा कि हेक्सागोन है, दूसरी पेंटागोन है, उसमें कितनी होती है, स्क्वायर में कितनी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी होती है, ये बता रहा कि 6 5 4 3, उसके बाद में फिक्स पॉइंट्स किस सेंटर ऑफ रोटेशन से वो रोटेट होती है, और उसके बाद में रोटेशनल सिमेट्री पढ़ा था हमने कि कैसे वो अपने एंगल पे रोटेट होती है। ओके, और बहुत सारे शेप्स जैसे ई है, एस है और एच है, इन सब के बारे में हमने सिमेट्री की स्टडी करी थी। ओके, तो आज ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अब इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, सारे क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, और उसके बाद में वीडियो को देखिए और खुद से क्वेश्चन सोल्व कीजिए, क्योंकि बच्चों जब तक हम खुद से क्वेश्चन नहीं करते ना तब तक हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। आप वीडियो देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ओके, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।